कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। 2003 में कोलंबिया शटल हादसे में उनकी मौत हो गई थी। उनके शटल के एक हिस्से में खराबी आ गई थी, जिससे पृथ्वी पर लौटते समय शटल के हजारों टुकड़े हो गए थे। हालांकि दावा किया जाता है कि स्पेसक्राफ्ट में समस्या की जानकारी नासा के वैज्ञानिकों को पहले से ही थी, इसके बावजूद शटल में का इस्तेमाल जारी रखा गया। आइए जानते हैं पूरा मामला, आखिर कल्पना चावला की मौत कैसे हुई थी, कौन था इस मौत का जिम्मेदार। दोस्तों, बचपन से ही करनाल में आसमान में उड़ान भरने की कल्पना करने वाली कल्पना चावला ने न केवल अपना सपना पूरा किया, बल्कि असाधारण उड़ान भरकर दुनिया भर में अपने देश का नाम रोशन कर दिया। 2003 में उन्होंने कोलंबिया शटल से अंतरिक्ष के लिए अपनी दूसरी उड़ान भरी तो हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पर किसको पता था कि यह उनकी आखिरी उड़ान साबित होगी। उनके शटल के एक हिस्से में खराबी आ गई थी, जिससे पृथ्वी पर लौटते समय शटल के हजारों टुकड़े हो गए। पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री और राकेश शर्मा के बाद दूसरी भारतीय कल्पना चावला की मौत का पूरा मामला जानते हैं इस वीडियो में। कल्पना चावला ने स्कूली पढ़ाई हरियाणा के करनाल में पूरी की थी, फिर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई की, आगे एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली गई। वहां यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से 1984 में एयरस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। मास्टर्स की एक और डिग्री लेने के बाद पीएचडी की। साल 1991 में अमेरिका की नागरिकता मिल गई और साथ ही साथ नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स का हिस्सा बन गई। साल 1947 में अंग्रेजों से भारत आज़ाद हुआ था और साथ ही पाकिस्तान का गठन हुआ, तो वहां से चलकर भारत आए लोगों में से एक थे बनारसी लाल चावला। वह पाकिस्तान के मुल्तान में रहते थे, लेकिन बंटवारे के वक्त हरियाणा के करनाल आ गए और वहीं बस गए। वह घर चलाने के लिए कपड़े बेचते थे और छोटे मोटे कई और काम किए। बाद में उन्होंने टायर बनाना शुरू कर दिया। पत्नी घर के सारे काम संभालती थी। उन दोनों के 4 बच्चे हुए। 17 मार्च 1962 को बनारसी लाल चावला की सबसे छोटी बेटी का जन्म हुआ। इसका नाम रखा था मोंटो। मोंटो जैसे जैसे बड़ी होती गई, हवाई जहाज में दिलचस्पी बढ़ती गई। वह बचपन से आसमान में उड़ने का सपना देखने लगी। स्कूल में दाखिला कराने की बारी आई तो टैगोर बाल निकेतन स्कूल पहुंची, जहां प्रिंसिपल ने बच्ची का नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि मोंटो के 3 प्रस्तावी हैं, ज्योत्सना, सुनियना और कल्पना। फैसला अभी हुआ नहीं है, तभी प्रिंसिपल ने मोंटो से पूछ लिया कि उन्हें कौन सा नाम पसंद है। मोंटो ने कहा कि कल्पना सबसे ज़्यादा पसंद है, और स्कूल में पहले दिन ही मोंटो का नाम कल्पना चावला हो गया। नासा अपने खास कार्यक्रम ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट के तहत कुछ लोगों को समूह में किसी रिसर्च के लिए स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष में भेजता है। स्पेस शटल कार्यक्रम भी एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कार्यक्रम था। 4th ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कार्यक्रम के तहत 88 मिशन में कोलम्बिया फ्लाइट ASTS-87 कल्पना का पहला स्पेस मिशन था। साल 1997 में अपने 5 साथियों के साथ मिशन पर गई। 10.4 मिलियन माइल की दूरी तय करते हुए पृथ्वी के 252 चक्कर काटे और सफलतापूर्वक लौट आई। 16 जनवरी 2003 को कल्पना स्पेस शटल कोलंबिया STS-107 से स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए 113वें मिशन पर एक बार रवाना हुई। 1 फरवरी 2003 को वापसी थी। पूरी दुनिया की नज़रें टीवी पर टिकी थी। शटल को कैनेडी स्पेस सेंटर में उतरना था, पर सुबह 9 बजे से ठीक पहले मिशन कंट्रोल के दौरान असामान्य रीडिंग नोट की गई। शटल के बाएं विंग के सेंसर से तापमान की रीडिंग नहीं मिल रही थी और अचानक बाईं ओर के टायर की प्रेशर रीडिंग भी गायब हो गई। तब कोलंबिया शटल अमेरिका के टेक्सास प्रांत में डलास शहर के पास था और आवाज़ की गति से भी 18 गुना से तेजी से जमीन की ओर 61,170 मीटर की ऊंचाई से नीचे आ रहा था। मिशन कंट्रोल ने कोलंबिया में सवार अंतरिक्ष यात्रियों से संपर्क करने की कई कोशिश की, पर सफलता नहीं मिली। इसके 12 मिनट बाद ही जब कोलंबिया को
रनवे पर होना चाहिए, तभी एक टीवी चैनल पर आसमान में शटल के टूटने का वीडियो आने लगता है। नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों के लापता होने की घोषणा कर दी और कोलंबिया का मलबा खोजना शुरू कर दिया गया। आखिरकार पूर्वी के टेक्सास में लगभग 2000 वर्ग मील क्षेत्र में फैले शटल के 84,000 टुकड़े बरामद किए गए। उनका वजन कोलंबिया के कुल वजन का सिर्फ 40% था। इन्हीं टुकड़ों में कल्पना और उनके 6 साथी भी थे, जिनकी पहचान डीएनए के जरिए की गई थी। शटल में तकनीकी खराब भी हो गई थी। जांच के दौरान बाद में पता चला कि शटल के बाहरी टैंक से फोम का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हो गया था और स्पेसशिप का विंग भी इसी के चलते टूट गया था। बाएं विंग में एक छेद हो गया था, जिससे बाहर की गैसें शटल में घुसने लगी थी और सेंसर खराब हो गए थे। यह भी दावा किया गया कि इस फोम में समस्या की जानकारी नासा के वैज्ञानिकों को पहले से थी। इसके बावजूद शटल में इसका इस्तेमाल जारी रखा गया। स्पेस जर्नलिस्ट माइकल कैबेज के और विलियम हारवुड ने 2008 में अपनी एक किताब प्रकाशित की, जिसमें बताया गया है कि नासा में कई ऐसे वैज्ञानिक थे जो कोलंबिया के टूटे हुए विंग की तस्वीर लेना चाहते थे। यह भी कहा जाता है कि नासा का डिफेंस विभाग इसमें अपने ऑर्बिटल स्पाई कैमरा का इस्तेमाल करना चाहता था, पर नासा के बड़े अधिकारियों ने मना कर दिया था और बिना किसी जांच के ही लैंडिंग बढ़ गई थी। कुछ इंजीनियरिंग का यह भी मानना था कि स्पेस शटल में फोम के कारण जो डैमेज हुआ था वह काफ़ी बड़ा था। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कल्पना और उनके 6 साथी अंतरिक्ष यात्रियों के पास बचने या सुधार का कोई समस्या ही नहीं था, क्योंकि शटल का कंट्रोल खोने और कैबिन का प्रेशर बुरी तरह से बिगड़ने में सिर्फ 40 सेकेंड लगे थे। वे इसलिए भी समय पर ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उन्हें अपने स्पेस सूट पहनने में विलम्ब हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया था कि कोलंबिया में सवार अंतरिक्ष यात्रियों में से एक ने प्रेशर सूट हेलमेट नहीं पहना था, जबकि 3 ने अपने स्पेस सूट ग्लव्स नहीं पहन रखे थे। हालांकि ऐसा होता भी तो वे बचाव नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोलंबिया की सीटों की डिजाइन ऐसी थी कि शायद ही कुछ कर पाते। उनके हेलमेट भी सिर के हिसाब से सही नहीं थे, इसके कारण उन्हें सिर पर भीषण चोटें आई थी। मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वेन हेल ने भी साल 2013 में कहा था कि विंग टूटने के बाद ही नासा के वैज्ञानिकों को पता चल गया था कि अब कल्पना के साथ ही सातों अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदा वापसी नहीं हो सकती, इसीलिए वह नहीं चाहते थे कि आखिरी दिन घुट घुट कर जिए। ऐसे में उन्हें डैमेज के बारे में जानकारी ही नहीं दी गई थी। वेन हेल का दावा था कि अंतरिक्ष यात्रियों को इस बारे में बता भी दिया जाता तो ज्यादा से ज्यादा वे ऑक्सीजन रहने तक अंतरिक्ष के चक्कर काट सकते थे। ऑक्सीजन खत्म होने पर उनकी जान चली जाती। वैसे वेन हेल के इस बयान को कल्पना के पिता ने खारिज कर दिया था और नासा ने कोई टिप्पणी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक जानकारी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।